कनाडा के नेतृत्व में 40 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन को लेकर जताई चिंता। बीजिंग भड़का इस बात पर। चीन का पलटवार। बीजिंग के प्रतिनिधि ने कनाडा में स्वदेशी लोगों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गहराई से चिंतित देशों के एक समूह की ओर से बयान पढ़ा। चीन का समर्थन करते हुए बेलारूस के प्रतिनिधि ने कहा, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत चीनी आंतरिक मामले हैं। कनाडा के नेतृत्व में 40 से अधिक देशों ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बीजिंग की ओर से कड़ी नाराजगी जताते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी गई। जिनेवा में परिषद के 47वें सत्र के दूसरे दिन बयान शुरू हुए। कनाडा के राजदूत लेस्ली नॉर्टन ने कहा, हम शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित हैं। इस बयान का ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों ने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि बीजिंग को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख मिशेल बैचलेट, अन्य स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग की तत्काल सार्थक और निरंकुश यात्रा की अनुमति देनी चाहिए और उइगरों के साथ अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों की मनमाने ढंग से हिरासत को समाप्त करना चाहिए। बयान में यातना या क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या सजा, जबरन नसबंदी, यौन और लिंग आधारित हिंसा, बच्चों को उनके माता पिता से जबरन अलग होने के लिए रिपोर्टों का हवाला दिया गया। हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 22 राजदूतों से अधिक है, जिन्होंने 2019 में उइगर के साथ चीन के व्यवहार की निंदा करते हुए बैचलेट को लिखा था। साथ ही चीन ने इस बात से इनकार किया कि उइगरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और कहा कि वे केवल उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए बनाए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है। बैचलेट ने सोमवार को परिषद से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस साल शिनजियांग का दौरा करेंगी और उन्हें सही से वहां पहुंचा दिया जाएगा। संयुक्त घोषणा में हांगकांग में मौलिक स्वतंत्रता के दमन और तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली विदेश यात्रा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बीजिंग के खिलाफ G7 और नाटो एकता हासिल की थी, जिसमें वॉशिंगटन ने चीन को एक पूर्व प्रतिष्ठित वैश्विक चुनौती के रूप में दिखाया था। अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख एग्रेस कैलामार्ड ने कहा, चीनी अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय दर्ज से ऊपर नहीं हैं, लेकिन देशों को अब हस्तलेखन से आगे बढ़ना चाहिए और वास्तविक कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं चीन ने जवाबी कार्रवाई की। यह जानते हुए कि बयान जल्द आ रहा था, चीन ने दूसरा समाप्त होने से पहले ही जवाब दे दिया। बीजिंग के प्रतिनिधि ने कनाडा में स्वदेशी लोगों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गहराई से चिंतित देशों के एक समूह की ओर से एक बयान पढ़ा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बेलारूस, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस, श्रीलंका, सीरिया और वेनेजुएला बयान के सह हस्ताक्षरकर्ताओं में से थे। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई चीन पर इस बात का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या चीनी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।